दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया गाइस। बहुत टाइम से फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी परीक्षाओं का क्या होगा, उनके फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, और इन टॉपिक्स पर लगातार हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है, क्या फैसला चल रहा है, क्या डिसीजन आएगा। तो गाइस आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के अगेंस्ट जो काफी बच्चों ने और लॉयर्स ने, काफी यूनिवर्सिटी ने जो केस फाइल किया था कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो प्रक्रिया है पूरी केस की उसको कल कंप्लीट कर लिया गया है, और इसका जो फाइनल फैसला या जजमेंट या जो भी कुछ आएगा उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। आपने काफी बड़े बड़े केसेस के अंदर देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला करता है उसको ऑन द स्पॉट नहीं सुनाया जाता, उसके लिए 2 या 3 दिन सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास रखता है और बाद में पब्लिक के लिए उसको ओपन कर देता है। इस वीक जो स्टूडेंट के फेवर में जो एडवोकेट थे, जो उनके साथ मतलब केस लड़ रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने के लिए बोला है, जिसका 3 दिन का वक्त जो बच्चों के साथ खड़े जो लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको कहा गया है कि आप 3 दिन में अपना हलफनामा दीजिए कि भाई यूजीसी एग्जाम क्यों ना कराए। तो 3 दिन का वक्त उनको दिया गया है और जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ने उसने अपने पास सुरक्षित और ताला बंद करके रख लिया है। 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनल बच्चों का डिसीजन बताएगा कि यूजीसी को एग्जाम लेने हैं या नहीं। तो गाइज ये आज की खबर थी और कल ये न्यूज जो है शाम तक आई थी। कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, आई वॉज बिजी समवेयर, तो आज मैंने ये वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए बनाया ताकि जो बच्चे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिल जाए। और गाइज मुझे अभी भी लगता है कि 90% सुप्रीम कोर्ट जो है वो बच्चों के पक्ष में फैसला दे सकता है, पर 10% जैसे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी बहुत सवालों में रहती है, तो 10% क्या है वो आपके एग्जाम ले भी सकते हैं। तो आपको एग्जाम ना देना और आपको एग्जाम देना, आपको दोनों के लिए गाइस तैयार रहना पड़ेगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहना। आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर सुप्रीम कोर्ट एग्जाम लेगा, यूजीसी एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे। इस प्रकार के कोई भी कमेंट है आप मुझे प्लीज कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बहुत अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो है फाइनल जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट जब बताएगा तो डेफिनेटली हम लोग अपने चैनल पे डालेंगे और आपको नॉलेज मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट एग्जाम यूजीसी को बोलेगा कराने के लिए नहीं। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना, खुश रहना, सेफ रहना। थैंक यू सो मच।